हेलो दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद अस्पतालों में मरीजों के लिए पैर रखने की जगह नहीं बची है। हालांकि हेल्थ अथॉरिटीज का कहना है कि 80% से ज़्यादा मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वे घर में टेली कंसल्टेशन की सहायता से रिकवर हो सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस इन्फेक्शन के साइड इफेक्ट लंबे समय तक शरीर में रह सकते हैं और अब तो हार्ट डैमेज के भी मामले सामने आने लगे हैं। ऑक्सफोर्ड जर्नल द्वारा कंडक्ट की गई एक हालिया स्टडी में पता चला है कि कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित तकरीबन 50% हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों का रिकवरी के महीने भर बाद हार्ट डैमेज हुआ है, इसलिए रिकवरी के बाद भी मरीज के हार्ट रेट को चेक करते रहना जरूरी हो गया है। इसकी अनदेखी करने पर भी मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है, जिससे दिल की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती है। इससे धड़कन की गति प्रभावित होती है और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या असामान्य रूप से उत्पन्न होने लगती है। दूसरा वायरस सीधे हमारे रिसेप्टर सेल पर हमला कर सकता है, जिसे ACE2 रिसेप्टर्स के रूप में जाना जाता है। यह मायोकार्डियम टिश्यू के भीतर जाकर भी उसे नुकसान पहुँचा सकता है। मायोकार्डाइटिस जैसी दिक्कतें, जो कि हार्ट मसल्स की इन्फ्लेमेशन है, अगर समय रहते इसकी देखभाल न की जाए तो एक समय के बाद हार्ट फेलियर हो सकता है। ये पहले से दिल की बीमारी झेल रहे लोगों की समस्या बढ़ा सकता है। किसी इंसान का हार्ट फेल उस वक्त होता है जब उसके दिल की मांसपेशियां खून को उतनी कुशलता के साथ पंप नहीं कर पाती जितनी की उसे ज़रूरत होती है। इस कंडीशन में संकुचित धमनियाँ और हाई ब्लड प्रेशर दिल को पर्याप्त पंपिंग के लिए कमज़ोर बना देते हैं। ये एक क्रॉनिक समस्या है जिसका समय पर इलाज न होने से कंडीशन बिगड़ सकती है। सही इलाज और थेरेपी इंसान की उम्र को बढ़ा सकता है। एक्सपर्ट का सुझाव है कि जिन लोगों को कोविड-19 के बाद छाती में दर्द की शिकायत है या संक्रमित होने से पहले जिन्हें कोई मामूली हार्ट डिसीज थी, वे इसकी इमेजिंग जरूर करवाएं। इसमें आपको पता चल जाएगा कि वायरस ने दिल की मांसपेशियों को कितना नुकसान पहुँचाया है। ये हल्के लक्षण वाले मरीज के लिए भी मददगार है। कई मरीजों को वायरल बीमारी के बाद क्रॉनिक हार्ट मसल वीकनेस, कार्डियक एनलार्जमेंट और लो हार्ट इंजेक्शन फ्रैक्शन की शिकायत हो जाती है। इसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी कहा जाता है। कोविड इन्फेक्शन के बाद कार्डियोमायोपैथी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और ये हार्ट फेलियर को भी बढ़ावा दे सकती है। डॉक्टर की माने तो ये वायरस इंसान के हृदय को भी नुकसान पहुँचा रहा है। ये हृदय में क्लांटिंग की गई समस्या को बढ़ा सकता है, यानी हृदय में खून के थक्के जम सकते हैं। ये खून के थक्के फेफड़े और धमनियों में भी जम सकते हैं। ऐसा होने पर रोगियों में हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी दिक्कतें युवाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। डॉक्टरों की माने तो पिछली बार भी डॉक्टरों ने 10-15% पोस्ट कोविड-19 मरीज में हार्ट इन्फ्लेमेशन से जुड़ी समस्या देखी थी, लेकिन इस बार ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ज़्यादा घातक साबित हो रहा है। इसमें कई मरीजों का हार्ट पंपिंग रेट 20-25% तक चला जाता है। शुरुआती स्टेज पर इलाज मिलने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। हार्ट फेलियर के एडवांस केस में जरूरत पड़ने पर लेफ्ट वेंटिकुलर आइसिश डिवाइस LVAD प्रोसीजर या थेरेपी के साथ एक हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। LVAD लेफ्ट वेंटिकुलर को मदद करता है, जो कि हार्ट का सबसे प्रमुख पंपिंग चैम्बर है। इस स्थिति में एक बेहद सुरक्षित विकल्प माना जाता है। हार्ट फेल होने से पहले मरीजों को सांस की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा कमजोरी और थकावट की दिक्कतें बढ़ने लगती है। पंजे, एड़ी या पैर में सूजन बढ़ने लगती है। हार्ट बीट तेज और अनियमित हो सकती है। आपकी एक्सरसाइज करने की क्षमता घट सकती है। लगातार खांसी और फ्लूड रिटेंशन की वजह से वजन बढ़ सकती है। भूख नहीं लगती है और बार बार पेशाब आता है। अगर किसी इंसान को ये सभी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसका इलाज खुद करने का प्रयास न करें। डॉक्टर ही ये बता सकते हैं कि ऐसा हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा है या कोई अन्य दिक्कत की वजह से है।